लैक ऑफ विजन, आई साइट वर्सेस माइंड साइट। ये जो एट्रिया मॉल आपको दिख रहा है, ये आज आपको दिख रहा है, पर जब ये बना नहीं था तब दिख रहा था? नहीं, तब किसको दिख रहा था? किसी को नहीं, तो अपने आप आ गया। किसको दिख रहा था? बिल्डर को। सबसे पहले किसको दिखा? मालिक। और मालिक कौन है? बिल्डर है। सबसे पहले इस बनाने वाले को दिखा कि यहां पे मैं कुछ बना सकता हूं जो ऐसा दिखेगा। तो जो चीज हमको दिखती है वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, जो आंखों से दिखता है वो आगे नहीं बढ़ाएगा, जो आपके दिमाग से आपको दिखता है, आपके विजन से आपको दिखता है, वही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो बिल्डर सबसे ज्यादा कमाया, या वो सीमेंट का काम करने वाला, ईंट का काम करने वाला, या फर्नीचर का काम करने वाले ज्यादा कमाया? सबसे ज्यादा कौन कमाया? बिल्डर। और सबसे पहली सोच किसको आई? पर अगर वो सोचता यहां पे बहुत अच्छा कुछ हम बना सकते हैं और करता कुछ नहीं, घर जाके सो जाता, तो आज यहां पे एट्रिया मॉल होता? यहां पे डीएक्सएन का ऑफिस होता नहीं। तो यहां पर क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोगों को नजर ही नहीं आता है कि उनको क्या चाहिए। करना तो दूर की बात है, पहले क्या चाहिए वो ही नहीं पता है। आप बता सकते हो आपको क्या चाहिए जिंदगी में? कहां से आए हो अभी? वाशी से। वर्ली कैसा पहुंचे? अच्छा, इधर आके पता चला वर्ली है कि पहले से पता था वर्ली है? इसके पहले आ चुकी है वर्ली? हाँ, यानी इसके पहले आ चुके हो। जब पहली बार आए थे तब पता था वर्ली है? गांव कौन सा है? इलाहाबाद। पहली बार बंबई आए थे तो पता था बंबई है? बंबई है, पर तुमको पता है। अभी मैं पूछूं चाइना है कि नहीं है, तुम बता सकते हो चाइना है? सबूत क्या है चाइना है? बराबर है कि नहीं? विश्वास। ये हमको पता है, दो चीज होती है। एक, हमको पता है कि वहां पर चाइना है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने देखा है। कहां से देखा? हाँ, हमने या तो सुना है किसी को वहां काम करते हुए, या हमको पता है कि हमारे गांव से कोई चाइना जा चुका है, या हमारे शहर से कोई जा चुका है। सही है कि नहीं? तब जाके हमको यकीन होता है कि वहां पर वो चीज है। तो वो तो विजन है। एक आदमी जब पहली बार गया, वो विजन लेकर गया। उसके बाद अभी डीएक्सएन में लोग क्राउन एम्बेसिडर है, कितने लोगों को पता है? कितने लोग हैं जिनको पता है कि क्राउन एम्बेसिडर है डीएक्सएन में? बाकी लोग को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन लोगों से मिले ही नहीं है, हमने जानकारी ली नहीं, हमको मालूम नहीं है। आज लैस्लो कॉक्स को, ये जर्मनी में हंगरी के अंदर, आज वो बंदा 5 साल हो गया उसको डीएक्सएन करते हुए, आज उसकी इनकम पर मंथ 32 लाख रुपए से ज्यादा है। उसने जब डीएक्सएन चालू किया, उसने सिर्फ इंटरनेट पे देखा कि डीएक्सएन नाम की एक कंपनी है। वो क्या किया, उसने मलेशिया गया, अपने पैसे लगाकर मलेशिया गया ताकि कंपनी की जानकारी। क्यों? क्योंकि उसके कंट्री में डीएक्सएन नहीं था। वहां जाने के बाद उसने वहां के मैनेजमेंट से बात किया, वहां के एक लीडर से बात किया, और बात करने के बाद एक सोच लेकर क्या किया, वापस हंगरी आया। हंगरी आने के बाद उसने अपना एक्सपीरियंस लगाया, अपना दिमाग लगाया, और उसने बोला है कि जब लोग ये कमा सकते हैं तो मैं भी कमाऊंगा। कमा सकता हूं नहीं, मैं कमाऊंगा। जब उसने ये सोच बनाई कि मैं कमाऊंगा, आज उसके पास 5 साल के बाद 32 लाख रुपया पर मंथ इनकम है। तो यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो यहां से फैसला लेके जाएंगे कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करूंगा? यहां पे कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे। और क्या करना पड़ेगा?